अंतरराष्ट्रीय रनर कार्तिक जोशी इस वक्त जो इंदौर से यात्रा शुरू कर चुके थे वो अयोध्या पहुंच चुके हैं। 110 से ज्यादा गोल्ड और सिल्वर ये मेडल जीत चुके हैं, अंतरराष्ट्रीय रनर हैं। और ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में 1008 किलोमीटर की दौड़ती हुई यात्रा करके इंदौर से चले थे और अयोध्या पहुंचने वाले हैं। कार्तिक जी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया, भगवान श्री राम का आशीर्वाद है। कहाँ से दौड़ रहे हैं ऐसे? मैं इंदौर से अयोध्या 1008 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ। इंदौर से अयोध्या? जी। दिन रात दौड़ रहे हैं? हाँ, अभी हम हर दिन 70 किलोमीटर दौड़ रहे थे। पर पूरे रास्ते भर लोगों का इतना प्यार, इतना आशीर्वाद मिला है। और स्वागत में हमें लगभग 1.5 दिन की देरी हो गई थी। 1.5 दिन की देरी हो गई है। 1008 किलोमीटर का ये सफर है। हमने सबसे पहले 14 दिनों का प्लान किया था। 14 दिनों में दौड़ेंगे, पर हम 1.5 दिन लेट थे। तो कल सुबह 5 बजे, जब हमारा 13वां दिन लगा, तो सुबह 5 बजे से लेकर कल सुबह, दिन, रात, और आज की सुबह और अभी की दोपहर, और अभी भी हम कंटिन्यू भाग रहे हैं। लगभग 180 किलोमीटर होने वाला है। आज 180 किलोमीटर भागे हैं, कल से लेकर अभी तक कंटिन्यू। हमको भी भगा दिए हैं, चला रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप अंतरराष्ट्रीय रनर हैं? जी। 110 से ज्यादा गोल्ड और सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। हाँ, भगवान का आशीर्वाद है जी। उसी आशीर्वाद की वजह से मैंने भारतीय टीम का एशियन चैंपियनशिप 100 किलोमीटर कैटेगरी में प्रतिनिधित्व किया जी। और साथ ही साथ सिल्वर मेडल जीता अपने देश के लिए। देखिए, हमारे कैमरामैन भागते भागते आधा किलोमीटर भी नहीं हुआ, थक गए। लेकिन ये 1008 किलोमीटर से ये भागते भागते चल रहे हैं। 2 मिनट रुकेंगे क्या? नहीं, वो बेचारे थक गए हैं। रुकना नहीं। अरे भगवान का नाम लो और भागते रहो। रुकना, कितने लोग के साथ निकले हैं? मैं, मेरी जो टीम थी हाँ। उसमें भागने वाला मैं था हाँ। बाकी साइकिल चलाने वाले थे। अच्छा, जैसे हम रोना ही आए हैं हाँ। यहाँ पे सैलाब उमड़ चुका है 5 इंडिया टीम का हाँ। जो हमें पूरे अयोध्या धाम तक लेकर जा रही है। इंदौर से कब निकले थे आप? इंदौर से हमने 5 जनवरी के दिन अपनी दौड़ शुरू की थी हाँ। और आज हम 14वें दिन ही अठारह तारीख को 14वें दिन 5 जनवरी को कार्तिक जोशी इंदौर से निकले थे और आज 18 जनवरी को ये जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में पहुंच चुके हैं। दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। हमारा सांस फूलने लगा, लेकिन इस बच्चे का 1008 किलोमीटर में भी सांस नहीं फूला। भगवान श्री राम का इतना मेडल जीत चुके हैं आप? लगभग 100 से भी ज्यादा रेसेस में पार्टिसिपेट करके गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते हैं। मतलब 108 आप मेडल जीत चुके, 110 मेडल? 100 से भी ज्यादा। क्या करते हैं आप? मैं अल्ट्रा डिस्टेंस रनिंग करता हूँ। इसमें 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर हाँ। 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे तक बिना रुके दौड़ना पड़ता है। ये जो आपका पैर है ये नहीं दुख रहा है? दुख रहा है, पर ये तो एक जीवन की नियति है हमारी हाँ। अगर दर्द के सामने झुक जाएंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? कितना उम्र हुआ आपका? अभी 21 साल। 21 साल, तो ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आपने बना दिया। नहीं, ये हम रिकॉर्ड के लिए नहीं दौड़ रहे, हमारी आस्था भावनाओं के लिए दौड़ रहे हैं। ये एक आराध्य के लिए दौड़ रहे हैं। ये अंतरराष्ट्रीय रनर है, एथलीट है मित्रों, और पूरी टीम के साथ जो है ये लगातार दौड़ रहे हैं। कार्तिक जोशी इनका नाम हुआ। अपनी पूरी टीम पलटन के साथ 1008 किलोमीटर की यात्रा श्री राम मंदिर तक तय करेंगे। इनके पिताजी इस गाड़ी में हैं, 5 लोगों के साथ वो पिछले 5 तारीख से दौड़ रहे हैं। 14वें दिन ही अयोध्या पहुंच गए हैं। इनके पीछे NHI से हैं आप लोग? नहीं, पाथ इंडिया फाउंडेशन। अच्छा, पाथ इंडिया फाउंडेशन, उनके साथ चल रहे हैं। हाँ जी। कितने दिन में वो पहुंचे हैं? 14 दिन में। 14 दिन में कितना किलोमीटर चल रहे हैं? 1008 किलोमीटर। दिन रात चल रहे हैं? दौड़ रहे हैं। कितना दिन से दौड़ रहे हैं? 5 तारीख से। 5 तारीख से लगातार दौड़ रहे हैं? हाँ जी। दिन और रात? नहीं, 72 किलोमीटर रोज दौड़ते हैं, 72 से 75 किलोमीटर। चलिए जाइए आप लोग, बहुत सारा शुभकामना आपको। श्री राम का नाम, कार्तिक जी के साथ है आप? बिल्कुल, कार्तिक जी के साथ है हम हाँ। और हम इंदौर से आ रहे हैं और श्री राम भगवान रामलला के यहाँ दर्शन करेंगे और कार्तिक जोशी इंदौर से मैराथन करते हुए आ रहे हैं। कंटिन्यू 14 दिन का हमारा पूरा प्रोग्राम है हाँ। आज 14वां दिन है और रामलला के दर्शन करेंगे 5 बजे तक। चलिए, बहुत सारी शुभकामना आप लोग, चलते रहिए। सांस फूल गया है, आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे अयोध्या से हर एक छोटी बड़ी चीज को। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें अपना राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय श्री राम।